मुल्तान में भी और भावलपुर में, क्योंकि भावलपुर के लोगों को जो है मसले मसाइल है वहाँ हल हो जाए, मुल्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं एडी जी खां के रहीम या खान के वो मुल्तान में आके उसको हल किया जा सके। कुछ दिन यहाँ और कुछ दिन जो है भावलपुर बैठेंगे, हमारे रीजनल सेट जो है वो डिसाइड करती है कि आपका सेक्रेटरी कहाँ होगा। तो जब सुबह इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान तहरीक साहब पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए, उसने अपना वादा पूरा किया, इंतजामी तौर पे हमने इसको फाल किया सेक्रेटरी को, उसके बाद जब इंशाल्लाह हमारे ही दो हुकूमत में जब ये सूबा बनेगा तो तब की असम्बली ये डिसाइड करेगी कि सूबा कहाँ सेक्रेटरी कहाँ पर बनेगा सूबे का। तो डेफिनेटली जी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो मुल्तान जो है वो सेंटर है और मुल्तान जो है वो फेवरेट है सेक्रेटरी बनने के लिए। तो इंशाल्लाह आप हिम्मत नहीं हारें, आप जज्बात में ना आए, आप हौसला रखें कि मुल्तान जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है जब सूबा बनेगा तो उसका सेक्रेटरी होगा। अच्छा, कोरोना के हवाले से मुल्तानियों ने कितना साथ दिया आपके साथ, तो इस हवाले से कहिए ज़रा अगर कीजिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो मुतमईन है अपने आवाम से। जी कोरोना के हवाले से अगर पूछते हैं तो ये धरती वो धरती है कि जिसने सबसे पहले कोरोना के पेशेंट्स को जो है वो गले से लगाया। मुल्तान वो पंजाब का वो हिस्सा है कि सबसे पहले जब कोरोना आया पाकिस्तान में और पंजाब में तो मुल्तान के लोगों ने ओपन हार्ट के साथ, जिसका जिक्र मैंने अपनी बजट स्पीच में भी किया ऑन द फ्लोर, के मुल्तान के वासियों ने अपना खुश दिली का मुजाहरा किया और कोरोना के पेशेंट्स को यहाँ पे वेलकम किया और यहाँ पे पंजाब का बेस्ट क्वारंटीन बना और इंतजाम के लिहाज से भी जो है वो बेस्ट था। यहाँ पे जब फर्स्ट विजिट हुआ वज़ीर आला पंजाब का और बाकी सेक्रेटरीज का तो उन्होंने इसको एक आर्ट कहा कि ये बेस्ट क्वारंटीन है पंजाब का। मुल्तान के वासी जो हैं, जनूबी पंजाब के जो वासी हैं वो मोहब्बत बांटने वाले हैं, लोगों को वेलकम करते हैं, मेहमान नवाज है, जिसका अमली मुजाहरा कोविड-19 में देखने में मिला। और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम कोविड-19 से बाहर आ रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी पे काबू पा रहे हैं, और जिसमें अवाम का कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी थी है और रहेगी, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते अपनी तौर पर कि कब ख़त्म होगा, ये कम तो हो सकता है लेकिन अभी कब ख़त्म होगा उसका हतमी फैसला नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी आवाम से कि जैसे आपने पहले हमारा साथ दिया, अब भी जो है कि SOPs तय हुए हैं 19 के हवाले से, आपने उसके ऊपर अमल करना है, उस ध्यान देना है और ताकि हम इसके ऊपर काबू पा सकें। और क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाला है, तनकरीब है, तो उसमें आपने SOPs का ज़रूर ध्यान करना है कि हमने इसको ये ईद उल अज़हा हमारा कोविड-19 फैलाने का सबब ना बन जाए, तो उस पर हमें बहुत एहतियात करना है। हाँ बिल्कुल, ईद की बात हो रही है, ईद के हवाले से मंडियाँ भी अब लगना शुरू हो गई हैं, तो SOP पे अमल अभी तक नहीं किया जा रहा कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या मतलब। गवर्नमेंट जो है वो SOPs को फॉलो करने में अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लोगों को बता भी रही है और जैसे मंडियाँ लगी हैं उस पर भी पूरी कोशिश है कि SOPs को फॉलो किया जाए, हम करवा भी रहे हैं, लेकिन देखिए फिर हमें बीइंग का पाकिस्तानी बीइंग का शहरी, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें, हम जो हमें गवर्नमेंट ने बताया है अपनी हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए SOPs को फॉलो करो। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि तहफ़ आपने खुद करना है, ये ऐसी बीमारी है कि इससे आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं, और नहीं बचा सकते। सर आपके हवाले से इनके बारिशों का भी आगे सुना है कि खदशा है, तो इस हवाले से भी क्या गवर्नमेंट ने इकदाम किए गए हैं, और बाकी जो बारिशें हुई हैं बारिशों की वजह से पहले भी काफ़ी सारे मकान जो हैं कच्चे मकान थे और जो पुसीदा थे वो भी गिरे हैं, तो इस हवाले से गवर्नमेंट उनका किस तरह अदाला करेगी या सैलाब के हवाले से जो इकदाम किए हैं वो किस तरह है? लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में है कि सैलाब की मुमकिन जो खदशात है उससे निमटने के लिए हमने जो है इसको तरतीब दिया है, अपने एक कमेटीज़ भी बनाई कि इसको देखा जाए और सैलाब आने से पहले हम इसको जो है कवर कर लें, इंतजाम मुकम्मल कर लें। और अब अगर आप बात करते हैं कि बारिशें हैं और कच्चे मकान हैं, तो एक तो मैं अपने उन शहरियों को कहूँगी कि जिसको गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया कि आप ये बिल्डिंग्स खाली करते हैं क्योंकि अपनी मुदत वो पूरी कर चुकी हैं, तो आप मेहरबानी करें उनकी बात को फॉलो करें, क्योंकि ये हादसे का बाइस बनते हैं, फिर गवर्नमेंट के ऊपर बात आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो वो लोग जो जिनको कहा गया है कि आप बिल्डिंग्स खाली करके किसी महफूज मकाम पर जाएँ क्योंकि अपनी म्याद मुदत पूरी कर चुकी है, तो उसको ध्यान में रखें। और हमने अपने इंतजाम पूरे किए हुए और वासा के लिहाज से जो क्योंकि वासा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जब बारिशें आती हैं। बात कर रहे हैं कि जो मकान जो सीधा इमारतें हैं वो लोग छोड़ के कहीं और मकाम पर चले जाएँ, तो गवर्नमेंट इसमें क्या जो छोटे जो कर्जे होते हैं उस हवाले से भी कुछ हेल्प कर रही है? गवर्नमेंट तो, जी सारा कुछ गवर्नमेंट करें।
देखिए हमने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हम फर्दर फर्दर रिलीफ पैकेजेस मुतारिफ करवा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उन वो गरीब लोग ख़ास तौर पे जिनके मकानात जो हैं वो कच्चे हैं और वो किसी महफूज मकाम पे जाना चाहते हैं, उनके कर्जे के हवाले से पॉलिसी बन रही है, इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करेंगे। जाते जाते पैगाम आप शहरियों को देंगे जी, आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, अमन रवादारी को अख्तियार करें, बर्दाश्त करें और दूसरे के मुआशरा को